अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पानी निकाल रहा था। अगर तुझे पानी ही पीना है तो तू किचन से नहीं पी सकता है? अरे नहीं भाभी, मैंने ना कल नेट पे पढ़ा था कि पानी पीने से बॉडी बनती है। क्या तू ये सब चीजें नेट पे पढ़ता है? हाँ भाभी, तब मैंने पढ़ा था कि इससे ना बहुत तंदुरुस्ती आती है और शरीर की बॉडी बन जाती है एकदम मजबूत। तो अभी ज्यादा तो निकला नहीं, देखना ये 2 बूंद टपकी है बस। छी छी, तू ये सब करता है, ये सब खाता पीता है? अब देखना भाभी, अब मैंने आपका पानी पी लिया ना, अब मैं भी थोड़े दिनों में आपके जैसा हो जाऊंगा एकदम हट्टा कट्टा। ठीक है, आने दे तेरे भैया को, तेरी शिकायत करती हूँ। ठीक है भाभी, कर देना आप शिकायत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोल दूंगा, भाभी अपने कमरे में बुला रही थी मुझे और बोल रही थी मेरा पानी निकाल लो और पी जाओ, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। तेरे भैया तेरा नहीं, मेरा यकीन करेंगे। ओह हाँ, बड़ा यकीन करेंगे? आप शायद भूल रही हैं, उनका छोटा भाई मैं हूँ ना कि आप। कल की आई हुई औरत के पीछे वो अपने भाई की बात ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता, समझी क्या? अरे यार, ये जागृत तो मुझे फंसा ही देगा। हाँ भाभी, फंसा दूंगा, मैंने सुन लिया, दिखता कम है सुनता पूरा है भाभी। अरे देवर जी, अब बैठिए, ऐसे मत करिए मेरे साथ, बैठिए आप, बैठिए बात करते हैं हम। ये हुई ना भाभी बात, थोड़ी सेवा करो मेरी तो अच्छा भी लगे। अब अगर चिल्लाओगी तो मेरे को भी आता चिल्लाना भाभी। नहीं देवर जी, आप बैठिए, हेलो संभाल के आराम से, अभी आधा बूंद है उसके अंदर। बैठो देवर जी, मैं आपको बताती हूँ, सुनिए। बताइए भाभी। ये सब पानी पीने से ना कुछ नहीं होता है, तुमको अगर स्ट्रांग बनना है मेरी तरह तो वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हारे भैया और मैं करते हैं रात में। तो भैया आपके साथ जो करते हैं मैं वो करूँगा, तो फिर उसमें मेरा क्या फायदा है? आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी ना, जो आपको चाहिए है भाभी। हाँ सच में? सही में। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने जो कल पढ़ा था उसके अंदर तो यही लिखा था कि पानी पीने से बॉडी बनती है। इस तरीके से पानी थोड़ी ना पिया जाता है। तो कैसे पिया जाता है? आओ मैं आपको सिखाती हूँ। भाभी सिखा तो रही हो आप, और सोचो अगर मैंने इस बारे में भैया को बता दिया तो? और तुमने जो किया था तो? भाभी मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, आपका बहुत कुछ चला जाएगा। सोच लो, कहीं और से ये पानी नहीं मिलेगा जो मेरे पास से मिलेगा आपको। अरे भाभी आपके पास दूध की कमी है क्या? मैं तो कह रहा हूँ जो मैं सुबह डेली दूध लेने जाता हूँ ना दुकान पे, इससे अच्छा आपके आगे पतीला लगा दूंगा ना आराम से, 1.5 लीटर तो आप निकाल लोगे। पतीला क्यों, डायरेक्ट मुंह ही लगा के पी लिया करो ना। मैं तो पी भी लूँ, लेकिन घर में चाय के लिए दूध तो चाहिए होगा ना, तो मैं सोच रहा था आपके यहाँ एक पतीला लगा दूंगा, 1.5 किलो आराम से आ जाएगा। अरे घर वालों को छोड़ो, आप सिर्फ अपना सोचो। वैसे भाभी कितना निकलता है? जितना तुम निकाल सको। हैं? चलो कोशिश करके देखूं। हाँ कर लो। ठीक है भाभी। आओ फिर। अरे भाभी आप लेटो, आज दूध मैं अपने तरीके से पीऊंगा।